तो हेलो एवरीवन स्वागत है यार इस वीडियो में और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यार मेरा खेला हुआ एक गेम और ये गेम में हार गया हाँ ये गेम में हार गया लेकिन वो हार इतनी अच्छी थी मतलब मेरे अपोनेंट ने इतना इतना स्ट्रॉन्ग प्ले करके इतना इंटेलिजेंट प्ले करके मुझे हराया कि ये गेम मुझे बड़ा पसंद है और मुझे लगा कि ये गेम मुझे आप सबसे शेयर करना चाहिए बहुत इंस्ट्रक्टिव है और एक स्ट्रैटेजी जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपने से काफी बड़े लेवल के प्लेयर को भी हराने के लिए वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं क्या मेरे अपोनेंट की रेटिंग थी ट्वेंटी एंड मेरी रेटिंग थी ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन सो आई स्टार्टेड विद ई फोर मेरे अपोनेंट ने रिप्लाई किया ई सिक्स अब ई सिक्स का क्या मतलब है अपोनेंट कह रहा है कि देखो तुम सेंटर बना लो आई विल अटैक ऑन इट मैं डायरेक्ट सेंटर नहीं बना रहा ये क्यों होती है यार मैं अपने हर वीडियो में ये बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी होती है लेकिन ये क्यों होती है आज आज ये भी समझ लो आज ये वीडियो खोल लिया है तो कुछ नया भी सीख जाओ जो मैं हर बार सिखाता हूँ देखो यार होता क्या है कि uh, जैसे ओपनिंग जब होती है गेम की दोनों के पीसेस दो रैंक के अंदर बंद रहते हैं ठीक है दोनों के पीसेस सिर्फ दो रैंक के अंदर बंद रहते हैं सब सिमेट्रिकल खड़े रहते हैं सब इक्वल है यहां पर क्या हो रहा है कि अभी कोई टारगेट नहीं है राइट टारगेट तो फिर वाइट क्या करता है कि हमारा एक इमेजिनरी टारगेट है जो कि है सेंटर अब सेंटर डिफाइंड नहीं है कि टारगेट किस तरह से होगा हमें पता नहीं कि किस तरह से उस पर अटैक करना है किस तरह से सेंटर को कैप्चर करना है तो वो एक विजुअल विजुअल टारगेट हो गया मतलब कि ऐसा नहीं है कुछ कॉन्क्रीट हाँ ये पॉन है या ये पीस है मैं इसके ऊपर अटैक करना है इसी को डिफेंड करना है इसी को सब कुछ करना है हमारे पास है कि ये चार स्क्वायर है इन चार स्क्वायर पे हमारा कंट्रोल हो अब डायरेक्ट कंट्रोल हो डायरेक्ट कंट्रोल हो तो एक क्लियर टारगेट नहीं होता हाँ कंट्रोल द सेंटर इज अ थ्योरी करेक्ट तो ब्लैक क्या कहता है कि सेम गोज फॉर व्हाइट सेम गोज फॉर ब्लैक तो नहीं पता ना कि हम ये दो स्क्वायर कंट्रोल करें ज्यादा अच्छा होगा या फिर हम ये दो स्क्वायर कंट्रोल करें ज्यादा अच्छा होगा या हम ये ये कंट्रोल करने ज्यादा अच्छा होगा तो वो नहीं डायनामिक्स पे पता चलता है वो पता ही नहीं है अभी तो यहां पर ब्लैक क्या कहता है यार कि एक काम करो आप सेंटर बना लो तब मेरे पास एक कॉन्क्रीट टारगेट होगा मुझे दिख रहा होगा स्पेसिफिकली कि आपका कौन सा पीस आपका कौन सा पॉन वहां पर जिसपे मैं अटैक करूंगा तो ये एक स्ट्रैटेजी इसलिए ये स्ट्रेटेजी होती है कि आप सेंटर बना लो अटैक ऑन इट जस्ट टू हैव अ टारगेट टू अटैक ओके ई से मैंने शुरू किया उसने खेला ई कौन सी ओपनिंग है ये पॉज करो वीडियो को बताओ कौन सी ओपनिंग है फ्रेंच डिफेंस अब उन्होंने फ्रेंच डिफेंस खेला है आइडिया है डी खेलना मैंने खेला ओके भाई तुम सेंटर नहीं ले रहे हो मैं तो लूंगा ना उसने खेल दिया डी फाइव अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एडवांस वेरिएशन खेलू यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं विनेवर वेरिएशन खेलू तराश वेरिएशन खेलू या कुछ और खेलू मुझे मुझे लगा कि यार तेईस सौ का प्लेयर है ऑब्वियसली थ्योरी जानता होगा मुझे फ्रेंच डिफेंस की थ्योरी के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था तो मैंने क्या किया लेट्स प्ले सेफ एक्सचेंज वेरिएशन ठीक है ना एक्सचेंज वेरिएशन में पाउन स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ का पाउन स्ट्रक्चर और जब पॉन्स स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है याद रख लो एक चीज जब पॉउ स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है तब पीसेस की एक्टिविटी डिपेंड करेगी कि किसकी पोजीशन बेटर है और जब स्ट्रक्चर में ही कोई गड़बड़ होती है डबल पॉन्स होते हैं या फिर एक टारगेट होता है तब यह रह सकता है कि हाँ पीसेस की हमारी मोबिलिटी ज्यादा नहीं है लेकिन हमारे पास टारगेट है तो ये दो स्ट्रेटेजी होती है अभी पॉन्स स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो पीसेस की एक्टिविटी मुझे डेवलप करना है पीसेस मैंने डेवलप किया अपोनेंट ने डेवलप बिशप को ले आया तुरंत वो पिन करते हुए आई लाइक कर लो पिन नाइट आ गया

रहेगा तो यहां पर मेरे पास एक ट्रिक अवेलेबल है करो वीडियो को बताओ क्या ट्रिक है। एग्जैक्टली बिशप कैप्चर किंग कैप्चर नाइट जी फाइव चेक किंग गया वापिस क्वीन ने कैप्चर किया बिशप को अभी हाउ स्टॉप इट तो ये एक ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस हो गया काफी अच्छा था। एंड हाँ सक्रीफाइस जब एच सेवन पे बिशप का दे के चेकमेट करने के लिए जाते हैं ये होता है ग्रीक गिफ्ट सैक्रीफाइस याद रखना ओके तो यहाँ पर वो कैसल करता तो ऐसा होता तो मैं होप कर रहा था कि ओके कैसल एंड आई विन समथिंग ओके लेकिन लेकिन उसने खेल दिया नाइट कैप्चर्स ऑन डी फोर एंड आई मिस दिट आई लाइक वॉट नाइट कैप्चर्स ऑन डी फोर ये तो मेरा पौन चला गया क्योंकि आई नॉट कैप्चर बैक द नाइट ये मैंने मिस कर दिया ये मेरी मिस्टेक थी एंड uh, अभी उसका देखो अगर कैसल के बाद ये होता तो मेरा बिशप अगेन यहां कैप्चर करके चेक दे रहा था और क्वीन कैप्चर कर रही थी इस नाइट को डिस्कवर में लेकिन अभी किंग नहीं है किंग यहां से चेक दूंगा तो नाइट सॉरी किंग यहां से चेक दूंगा तो नाइट वापस चला जाएगा इसको कैप्चर करने ही वॉन अपॉन वॉट टू डू आई वाज लाइक नहीं ठीक है बिशप वापस आता है नाइट ने कैप्चर किया क्वीन ने कैप्चर किया अब वो एक पॉन जीत चुका है अब देखो उसकी स्ट्रैटेजी देखो वो एक पॉन जीत चुका है अब उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि सारे पीसेज एक्सचेंज कर दो तो, लास्ट में वो पॉन बन जाएगा क्वीन यही स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो अपोनेंट अगर आपसे हायर रेटेड है एक पॉन जीतो सारे दिमाग रहा एक पॉन जीता फिर सारे पीसेज एक्सचेंज करने के लिए चलेगा कॉम्प्लीकेशन में जाना ही नहीं है बिशप ने कैप्चर कर दिया नाइट को बिशप ने कैप्चर कर दिया नाइट को और अब लग रहा है उसके पास देखो उसके पास ये वीकनेस भी है मेरी उस वो एक पॉन भी है इट लाइक like वो विनिंग है लेकिन उसने फिर यहाँ पे कैसल किया है ना ओके okay, मैंने बिशप यहाँ से खिलाया अब नाइट पे अटैक है नाइट को सेव कैसे करेंगे मैं भी मैंने भी यहाँ पे एक ट्रिक लगा के पॉन जीत लिया नाइट को कैसे सेव करोगे रुक लगाना पड़ेगा फोर्स है कोई और मूव नहीं है कैप्चर रुक कैप्चर रुक कैप्चर क्वीन कैप्चर और ये पॉन का डिफेंस क्वीन ने छोड़ दिया एंड आई कैप्चर अब मैं पॉन बराबर हो गया मेरा पॉन अब मेरे पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो कि ये है पॉन स्ट्रक्चर और वो भी अगर मैं उसका एक पॉन कैप्चर कर लूँ तो वो भी कॉम्पनसेट हो जाएगा राइट तो मैं यहाँ पर आया आफ्टर दिस पॉन पुश क्योंकि अभी मैं इस पर अटैक कर रहा हूँ उसने पॉन पुश किया मैं यहाँ पर आया काफी सिंपल गेम गया है काफी हायर रेटेड प्लेयर्स के बीच में था लेकिन सिंपल गया है एंड में उसने बहुत ब्रिलियंसी दिखाई अपनी वही ब्रिलियंसी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्वीन यहाँ गई अटैक करते हुए लेकिन अभी क्वीन डिफेंड कर रही है ये थ्रेट तब होगा जब मेरा रुक यहाँ आ जाएगा उसने रुक डेवलप किया मैंने यहाँ रुक खेल दिया अब ये थ्रेट है Um, यहाँ पर उसने खेला ओके गुड मूव मैंने क्वीन यहाँ रखी इस पे और इस पे अटैक करते हुए लेकिन आज मैंने बताया ये अभी डिफेंडेड है इसी पे अटैक है और यहाँ पे अगर वो ये खेल रहा था तो इट वाज अमेजिंग लाइक Black has नो प्रॉब्लम इन इट अब जो मुझे मुझे देखना है मुझे कैसे कंटिन्यू करना है लेकिन उसने थोड़ा सा सोचा कि नहीं 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 वो क्वीन यहाँ पे लेके आया इट सीम्स अट ऑफ मिस्टेक क्योंकि मैं ये कैप्चर कर सकता था एंड ही चैलेंजिंग है यार तुम कैप्चर कर लो मैं ये कैप्चर करूंगा तुम ये कैप्चर करोगे मैं ये कैप्चर करूंगा uh, ऐसा वो सोच रहा है लेकिन उसने एक चीज मिस कर दी यहाँ पे कि कैप्चर 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 अब वो ये कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये कैप्चर होकर चेकमिट हो रही है ये चीज उसने मिस कर दी देखो बड़े प्लेयर्स भी आ, हायर रेटेड अपोनेंट्स भी ऐसी चीजें मिस करते हैं आफ्टर द कैलकुलेशन तो अब हमें एक और पॉइंट मिल गया क्या हमें देखना है आफ्टर कैलकुलेशन पोजीशन एनालिसिस इस चीज को अगर तुमने स्ट्रांग कर लिया तो फिर तुम्हारे हायर रेटेड अपोनेंट को हराने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे ओके क्या हो, होता है यहां पे फिर रुक यहां आ गया है ओके अब ये पॉन डिफेंड अब ये पॉन की प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉन एक्स्ट्रा जीत चुका हूं अब मैंने रिवर्स स्ट्रेटेजी अपनाई वो क्या कर रहा था एक पॉन जीता सारे एक्सचेंज मैंने भी यही किया एक पॉन में जीता अब सारे एक्सचेंज मैं क्वीन वापस लिया ये दो पॉन्स को तो रोक ही नहीं सकता ब्लैक उसने बोला अब 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 नहीं एक्सचेंज करनी अब नहीं एक्सचेंज करनी सब हो गया अब क्यों करना अब तो पॉन अब हो तुम अब नहीं करूंगा मैं एक्सचेंज ओके मैंने रुक यहाँ खिलाया एक ओपन फाइल पे रुक रखा Uh, उसने ये खेला बैक रेंग थ्रेड्स को हटाते हुए मैंने ये खेला क्योंकि मुझे कोई और अच्छी मूव नहीं मिल रही थी और ये थोड़ा सा डरा भी रहा है ब्लैक को एंड इन फ्यूचर सारे एक्सचेंज होने के बाद ये पॉन नियर है क्वीनिंग के सो so, ओके okay, उसने रुक खेला यहाँ पर और क्यों खेला ये रुक उसने ये रुक खेला इस पॉन को सेव करते हुए मैं उस समय नहीं समझ पाया था क्योंकि अब वो अपनी क्वीन को फ्री करना चाहता है इस पॉन के डिफेंस से तो उसने ये रुख खेल दिया जिससे कि ये पॉन सेव होता रहे यहाँ मेरे पास मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं रुक नीचे जाता हूँ किंग यहाँ आ जाएगा आ, फिर मैं क्या करूंगा मे बी क्वीन नीचे लेके जाता हूँ इस थ्रेड के लिए लेकिन उसके पास एक चाल है क्या चाल है मैं दिखाता हूं रुक गया किंग यहाँ आया क्वीन नीचे गई तब उसके पास ये चाल है कैप्चर चेक किंग यहां और ये कैप्चर मैंने इस पोन को खोना चाहता उससे यह भी पोन उसका डिफेंड हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके पास उसके प्रॉब्लम उसके में एंड इसलिए मैंने यहाँ पे चेक दी सॉरी हाँ यहाँ पे चेक दी उसका किंग हटते ही मैं यहां आ गया क्योंकि अब ये रुक इन दो पॉन्स को डिफेंड कर रहा है जो कि अब मेरा रुक एक्टली वो काम कर रहा है जो उसका ये रुक कर रहा है इस को डिफेंड डिफेंड एक लिफ्ट होके ये पॉन अब अब हो रहा है अब चेक वो इस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता सो so, ओके okay. क्वीन उसकी यहाँ पर आई इस रुक को अटैक करते हुए मैंने एक स्मार्ट मूव खेली मैं यहां पर आया चेक देते हुए पॉन पुश हुआ और मैंने यहां खेल दिया मेरी क्वीन इस पॉन को भी डिफेंड कर रही है इस रुक को भी डिफेंड कर रही है सो इट इज ओके पॉन पुश किया उसने और ये मूव ये मूव मूव ऑफ द गेम और क्या मूव है ये मूव लग सिंपल रही है कि क्वीन को भगा रहे हो लेकिन इस 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 मूव मूव के अंदर इतनी डीप चीज छुपी हुई है ये ये एंड में जाके पता चला कि ये pawn यहाँ पे क्यों था इस pawn का, का काम क्या था और वो चीज मतलब मुझे इस लेवल पे हिट करी कि ये कितनी ब्रिलियंट चाल चली उसने देखो यार ये है की मूव ये है स्टार मूव ऑफ द गेम ये चाल अब पवन ये कर क्या रहा है ये पवन बेसिकली क्वीन को तो अटैक कर ही रहा है एट द सेम टाइम

उसकी क्वीन स्पॉन को डिफेंड कर रही है अब अगर वो स्पॉन को कैप्चर करता है तो मैं स्पॉन को कैप्चर करके रुक जीत सकता हूं ऐसी एक टैक्टिक पहले भी आ रही थी पहले भी आ रही थी लेट लेट मी मी शो शो यू यू या यहां पर मैं ये चीज खेल सकता हूं अब ये लग रहा है कि सैक्रीफाइस नहीं नहीं सैक्रीफाइस नहीं, नहीं है क्योंकि अगर वो कैप्चर करता है चेक आएगी क्वीन वापस जाएगी कैप्चर 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 और मेरा किंग सेंटर में आ रहा है फास्ट और इट्स विनिंग फॉर वाइट क्योंकि ये दो पॉन्स हैं लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है अब जैसे इसके बाद वो क्वीन से भी कैप्चर करता है देन टू आई कैन कैप्चर पॉन और अब भी मेरा किंग फास्ट आ रहा है और ये रुक नहीं कैप्चर कर सकता इसमें एक फ्लॉ है इसमें एक फ्लॉ है नो uh, या no, yeah, इसमें एक फ्लॉ है मे बी फ्लॉ इसमें नहीं है ये एक अच्छी चाल थी मैंने नहीं चला इसको मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा था या uh, yeah. ये पॉन इस स्क्वायर को कैप्चर कर रहा है और ये स्क्वायर ये दो स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट की स्क्वायर क्यों मैं दिखाता हूं आगे चल के क्वीन वापस गई इसको अटैक करते हुए मैंने पॉन पुश किया जिससे कि ये सेव हो जाए और ये पॉन अगर वो कैप्चर करता है तो हम इसको कैप्चर करके रुकमिन कर सकते हैं तो ये पॉन वो टेक्निकली कैप्चर नहीं कर सकता लेकिन उसने क्या किया क्यों खेल दिया अब समझ पा रहे हो अब समझ पा रहे हो स्पोन की साइकोलॉजी ये पॉन आया जिससे क्वीन ना चेक दे पाए और अभी कहोगे यार ये स्क्वायर है ना चेक के निकले यह स्क्वायर है यह स्क्वायर है चेक दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरी क्वीन वहां जा नहीं रही है दिक्कत है अभी ये किंग इस को सेव कर रहा है और क्वीन इसको अटैक कर रही है तो मेरे टेक्निकली मुझे इसको सेव करना चाहिए जो कि मैंने किया उसने रुक चेक दी किंग वहां गया अब देखो कितनी अच्छी चाल है आ, ये स्पॉन की वजह से मैं यहां से चेक नहीं दे सकता और यहां से भी चेक नहीं दे सकता इसका मतलब ये पॉन अब कंप्लीटली डिफेंड हो गया है किंग से और मैं कुछ नहीं कर सकता उसका एक मूव में उसने चेक दी मुझे यहां ये खेलना चाहिए था एंड आई एम डूइंग ओके मतलब ब्लैक विनिंग पोजिशन में लेकिन ओके okay, पॉन इस पॉन का द, देखना मैंने ये पॉन पुश किया एंड इट्स लॉस्ट इट्स मेट इन एट ये, ये ब्लेंडर है क्यों ब्लंडर है क्योंकि क्वीन कुछ आ जाएगी और ये चेकमेट सेवी नहीं हो रही है I can't do anything. पर मैंने एक चाल जो ऑब्वियसली एक ही चाल बची थी मैंने ये खेला इन होपाय कैप्चर करेगा एंड देन आई कैन माइ रुक और तब भी वो विनिंग है ब्लैक के लिए लेकिन ट्राई कर सकता था मैं उसने ये खेल दिया जो कि बेस्ट मूव है अब यहाँ पर चेकमेट सेव ही नहीं हो सकती सेव ही नहीं हो सकती सो so, ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया इस मूव की वजह से सो दिस इज द मूव दिस इज द मूव और एक टैक्टिक वो ये थी कि यार यहां पर मैंने चेक देने के बाद मैं यहां पर भी को खेल सकता था डायरेक्टली यहां जाके यहां जाने की जरूरत नहीं थी क्यों क्योंकि अगर वो कैप्चर करता है मैं ये कैप्चर करूंगा यहां एंड आई कैप्चर द रुक अब वो चेक यहां से नहीं दे सकता इस पॉन को कैप्चर करते हुए तो वो यहां से चेक देगा आई गो देर और ये आई एम डूइंग गुड मुझे सही लग रही है ये पोजीशन कुछ ख़राब नहीं है इसमें चेक चेक मेरे ड्रॉ तो मेरे हाथ में लेकिन इसमें एक फ्लॉ है इसमें एक फ्लॉ है इसमें फ़्लॉ ये है कि वो डायरेक्ट रुक कैप्चर नहीं करेगा वो पहले चेक दे देगा किंग यहाँ जाएगा आ, और तब वो ये रुक कैप्चर करेगा और अब उसका रुक सेव हो गया और मेरे पास सिर्फ ड्रॉ बचा है और ड्रॉ मुझे करना नहीं था ऑल ये गेम में हार गया लेकिन आ, ये मूव दिल को छू गए कैसा लगा आप सबको ये गेम पसंद आया हो तो लाइक करो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो इस चैनल को जिससे आने वाली कोई वीडियो मिस ना होने पाए मिलते हैं अगले वीडियो में टिल द टाइम बाय बाय